नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप सिलेक्शन वन में। दोस्तों आज की सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाली, तो जल्दी से आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे सेलुलोइज़म, हम लोग क्या पढ़ रहे थे सेलुलोइज़म। आपकी दो दिनों से क्लास नहीं चल पा रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, हमने कल बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पूरा बॉडी पेन कर रहा था, इसलिए हमने क्लास दो दिन नहीं लिया। आज थोड़ा बहुत तबीयत ठीक है तो आज हमने सोचा कि नहीं, क्लास दो दिन गैप हो गया है तो आज हम क्लास ले लेते हैं। तो अपनी उपस्थिति को दर्ज करने के लिए आप जल्द से जल्द 5 कमेंट करें, 5 लिख करके आप कमेंट करें, 5 टाइप करके लिखें, तब तक हम समझ जाएंगे कि अगर आप उपस्थित हैं तो हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक, हम लोग सेलुलोइज़म में पढ़ रहे थे सर टाइप 4। कहाँ पढ़ रहे थे? सेलुलोइज़म में टाइप 4 पढ़ रहे थे। टाइप 4 में सर क्या था कि नेगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट था, यही ना था, नेगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे सर। नेगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, टाइप 4 का क्वेश्चन करवाया था, इसका कॉन्सेप्ट समझाया था, इसमें कहाँ पे क्या करना पड़ता है इसकी सारी थ्योरी हमने बताई थी। उसके बाद जाकर के इस पे जितने भी क्वेश्चन थे हमने 2-3 क्वेश्चन आपको करवाया था। तो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए जल्दी से 5 कमेंट करो और सेशन को शेयर कर दो ताकि मुझे पता चल जाए दोस्त कि आप लोग उपस्थित हो गए हो तो मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। हम लोग सर पढ़ रहे थे टाइप 4, जिसमें क्या था, नेगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट था। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे टाइप 5 पे, या टाइप 1, 2, 3, 4 का मिक्सचर कर लेंगे। ठीक है, हम लोग सर पढ़ रहे हैं सेलुलोइज़म में न्याय निगमन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, न्याय निगमन। सर क्या दिया हुआ होता है, स्टेटमेंट दिया रहता था। क्या दिया रहता था? स्टेटमेंट दिया रहता था। इससे पहले स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले आप कितने खुश हो, कितने नाराज हो, कल 5 राज्यों का चुनाव की रिजल्ट आई है ना सर, 5 राज्यों में चुनाव था जिसका कल रिजल्ट आ गया। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जब आप लोग नहीं चाहते हो भारतीय जनता पार्टी, जब नौकरी आपको नहीं देती है, आप जब कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी सर हमारे लिए वैकेंसी नहीं निकालती, जो भी वैकेंसी निकालती थी सर कांग्रेस निकालती थी, तो फिर कांग्रेस को 0 पे आउट क्यों कर दिया आप?
कांग्रेस को 5 राज्य में से एक भी राज्य पे आपने कब्जा नहीं करने दिया, जहां उसका स्थिति मजबूत था पंजाब में सर उसका स्थिति ठीक था, तब जाकर के वहां से झाड़ू चलवा दिया आपने और आप पार्टी का बनवा दिया सरकार। ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। जब खुद कहते हो कि सर मुझे कांग्रेस चाहिए, मुझे भाजपा नहीं चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है, और फिर उसी पे विश्वास करते हो और फिर बीजेपी की सरकार बनाते हो और 4-5 में से 4 राज्यों में आपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाया, इससे आपको क्या लग रहा है कि आप सिर्फ का जो कहते हो करते नहीं हो, या तो पढ़ते होगे तो याद नहीं करते होगे। इसका मतलब यही है, आप जब कहते हो कि मुझे बीजेपी से नफरत है तो फिर बीजेपी की सरकार आपने क्यों लाई, बताओ पहले। ये भारतीय जनता पार्टी सर्कल 4 राज्यों में चुनाव जीत गई है और 4 राज्यों में उसकी मुख्यमंत्री की दावेदारी हो गई है। बाबा का बुलडोजर चला है जी, बाबा का बुलडोजर भी चला ना, बुलडोजर बाबा। चलिए खैर, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए सेशन को बढ़ाते हैं। अगर आलतू फालतू की बातों पर गौर ना करें, गौर बोर्ड पे कीजिएगा। टाइप 4, हम आज टाइप 4 ही पढ़ाएंगे और टाइप 1, 2, 3, 4 का सारा मिक्सचर करवा देते हैं। कल के क्लास में हम लोग टाइप 5 पे जाएंगे, ठीक है। टाइप 4 में सर क्या दिया हुआ होता था, निगेटिव स्टेटमेंट रहता था, मतलब कोई राम लड़का नहीं है, कुछ लड़का गोरा नहीं है, सभी गोरा काला नहीं है। अब इसके बाद सर दिया रहता था निष्कर्ष, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन नंबर 1 में क्या दिया रहता था, कुछ काला गोरा नहीं है, कंक्लूजन नंबर 2 में सर दिया रहता था सभी गोरा लड़का नहीं है, सभी गोरा लड़का नहीं है। कंक्लूजन नंबर 3 में कोई लड़का राम नहीं है, कोई लड़का राम नहीं है। कंक्लूजन नंबर सर 4 में क्या दिया रहता था, कुछ गोरा लड़का नहीं है। कंक्लूजन नंबर 5 में कोई गोरा काला नहीं है, कोई गोरा काला नहीं है। कंक्लूजन नंबर 6 में सर क्या दिया हुआ है, कुछ काला कुछ गोरा कुछ राम लड़का नहीं है। 7 नंबर में सर दिया हुआ है सभी राम लड़का है। 8 नंबर में सर दिया हुआ है कुछ गोरा काला है, कुछ गोरा
अगर कल की क्लास में आपको समझ में आई थी, सर कल की नहीं पिछले क्लास में अगर समझ में आई थी तो आप जल्द से बना करके हमें कमेंट करें कि सर कौन सा आंसर इसका सही है। दोस्त, जिंदगी में जब संघर्ष और तकलीफ नहीं है तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े सर तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर आग लगी होगी तो तुरंत आप इसका आंसर बना के मुझे भेज दोगे, क्या करोगे, आंसर भेज दोगे। हमने सर टाइप फोर में क्या पढ़ाया था कि निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा। निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा ही निगेटिव होगा। हम सर यही पढ़ रहे थे कल। टाइप थ्री में हमने पढ़ाया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। टाइप थ्री में पढ़े थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ वाले के साथ सही होता था तो सही, बाकी सारा गलत। इसमें क्या कंडीशन है कि निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा। कोई भी चीज़ से स्टार्ट हो, कंक्लूजन किसी भी एलिमेंट के साथ स्टार्ट हो वह सही होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा तो गलत होगा। टाइप फोर में क्या है कि निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा। वह किसी भी एलिमेंट के साथ स्टार्ट रहे या वह कुछ के साथ स्टार्ट रहे या कोई के साथ स्टार्ट रहे या सभी के साथ स्टार्ट रहे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वह किसी भी चीज़ से स्टार्ट होगा, बस कंक्लूजन निगेटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होना चाहिए। वह किसी भी चीज़ से स्टार्ट होगा तो सही होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो सर गलत होगा। बस हम इतना ही समझाना चाहते हैं आपको और आशा करते हैं आप समझ भी गए होंगे। तो जल्द से अगर समझ गए हैं तो इसका आंसर बना के आप भेजिए, कौन सही कौन गलत। हम तो सर बना देंगे पर पहले आप बनाइए। नहीं तो चला फिर तोरा ऊपर हम बुलडोजर चलवा देंगे, जैसे चला था यूपी में बुलडोजर, बुलडोजर बाबा के नाम से। क्या चला था? बुलडोजर बाबा के नाम से बुलडोजर चला था। क्या चला था? बुलडोजर। निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? निगेटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा। वह किसी भी चीज़ से स्टार्ट होगा तो सही होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पॉजिटिव नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। अब चलिए देखिए कंक्लूजन में क्या कह रहा है। कुछ काला गोरा नहीं है। तो जिस तरह से हम सारे के सारे कंक्लूजन में, सारा सेल्यूलिज्म में आपको सिखाया कि लड़का का शादी लड़का लड़की से करवाएंगे, अगुआ होना चाहिए, अगुआ को मिलेगा 150, वो किस कंडीशन में? जब शादी होता था तब। री स्टेटमेंट में शादी होगा नहीं होना चाहिए, शादी नहीं होगा, क्योंकि री स्टेटमेंट का कहना है कि दिया हुआ कथन को दोबारा लिख दे। दिया गया कथन को दोबारा कंक्लूजन में फिर उल्टा या सुलटा लिख दे, उसी को हम लोग री स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भी कथन दिया हुआ होगा उसी को फिर से लिख देंगे तो उसी को क्या कहते हैं? री स्टेटमेंट। अब री स्टेटमेंट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हर टाइप बाई टाइप आपको हम बताते जा रहे हैं कि कौन स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में हमें क्या करना है, निगेटिव में हमें सर क्या करना है। अब टाइप फोर की बात कर रहे हो तो टाइप फोर देखो, कुछ काला गोरा है। काला का शादी जब आप गोरा से करवाइएगा तो काला और गोरा कहाँ है? एक लाइन में है। काला का शादी आप गोरा से करवाइएगा तो सर हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि लड़का का शादी लड़की से दोनों दो लाइन में होगा, अगुआ होगा, कॉमन कॉमन को चाहिए 150 रुपया, 150 रुपया मिलता तो शादी होता, नहीं तो नहीं होता। लेकिन जब एक ही लाइन में शादी हो रही है, मतलब अरे है लड़का, जब शादी एक ही लाइन में हो रही है तो क्या होगा? अरेंज मैरिज हो रहा है, मतलब लव मैरिज की बात नहीं हो रही है,
सॉरी लव मैरिज की बात हो रही है ना, अरेंज मैरिज दोनों दो गांव के होते हैं, तो बात शादी की हो रही, लेकिन काला गोरा कहाँ है, एक ही लाइन में है, काला गोरा एक ही लाइन में है, तो काला गोरा एक ही लाइन में थी, इसी चीज़ को उल्टा या सुलटा फिर से लिख दिया है कंक्लूजन में, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे सर, रीस्टेटमेंट, क्या कहते थे, रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट कथन में दिया गया बात को फिर से कंक्लूजन में लिख देता है, इसी को हम लोग कहते थे रीस्टेटमेंट। अब देखो काला का शादी गोरा से, काला गोरा एक लाइन में, सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है, देखो तो ये इस पे आप गौर कीजिएगा सर कि सारा है, सारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, सारा का सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और कंक्लूजन सॉरी सारा का सारा स्टेटमेंट क्या निगेटिव है, क्योंकि यहाँ नहीं का प्रयोग किया गया, नहीं का प्रयोग किया गया, नहीं का प्रयोग किया गया है, इसलिए का स्टेटमेंट क्या है सर, निगेटिव है। अब कंक्लूजन में देखिए हम क्या बताएं कि निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा, तो स्टेटमेंट निगेटिव है, ये क्या है, इसी चीज़ को फिर से लिखा तो रीस्टेटमेंट, मतलब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है जी, कंक्लूजन रीस्टेटमेंट का है, इसी चीज़ को फिर से लिख दिया मतलब रीस्टेटमेंट, और रीस्टेटमेंट में देख लेना कि नहीं लगा हुआ है तो क्वेश्चन सही होगा। हमें ये चीज़ नहीं देखना है सर कि ये किस एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ काला गोरा है, काला का शादी जब आप गोरा से करवाइएगा तो काला गोरा एक लाइन में, निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा, वह किसी भी चीज़ से स्टार्ट हो सही होगा। अब देखो सभी गोरा लड़का है, गोरा का शादी लड़का से, गोरा लड़का कहाँ एक लाइन में, गोरा लड़का एक लाइन में मतलब रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट निगेटिव है कि सभी के साथ स्टार्ट है, उस चीज़ को हमको नहीं देखना, हमें बस यही देखना है कि निगेटिव और रीस्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। कोई के साथ स्टार्ट है सही होगा, सही होगा, सही होगा, यहाँ तक सही, मतलब एक से लेकर छः तक क्या होगा सर, सही होगा। अब क्या पढ़े हम लोग कि निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट निगेटिव होगा, वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट हो सही होगा, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए सर, ये देखो पॉजिटिव है, दोनों कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन होता था, निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए, वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट होगा तो सर सही होगा, ओके। जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए, निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा, वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट होगा, हमें यह नहीं देखना है, बस एक ही चीज़ को ध्यान देना है सर कि निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होना चाहिए, वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट हो, या वह सभी के साथ स्टार्ट हो, कुछ के साथ स्टार्ट हो, कोई के साथ स्टार्ट हो, बस वह निगेटिव होना चाहिए, और हर हालत में निगेटिव होना चाहिए, और निगेटिव में भी रीस्टेटमेंट होना चाहिए, रीस्टेटमेंट होगा निगेटिव होगा तो जाके सही होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो यार दोस्त भाई मेरे कॉपी पेस्ट कर लो, आगे बढ़ते हम लोग, कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो तुम भाजपा की सरकार बनवा ही दिए हो, तो बात किस चीज़ की होगी जी, तुमको तो नौकरी देंगे ही, टेंशन मत लेना, नौकरी मिलेगी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नौकरी मिलने वाली है, मणिपुर में मिलेगी, गोवा में मिलेगी सर, पंजाब में भी केजरीवाल साहब आ गए ना जी, चन्नी जी चले गए, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी 92 के आसपास पहुंच गई थी, केजरीवाल जी के लिए भी बहुत बढ़िया दिन था,
दिल्ली से पंजाब में भी आ गए। कहाँ आ गए? दिल्ली से पंजाब में भी। तो उनका दिन ठीक नहीं होगा तो आप लोग का दिन ठीक होगा, बताओ। अरे उनका दिन ठीक नहीं होगा तो किसका दिन ठीक होगा? पहले तो दिल्ली, उसके बाद पंजाब। लॉटरी लग गई भाई मेरे, लॉटरी। तो हमने क्या पढ़ा? पॉजिटिव स्टेटमेंट पढ़ लिया, नेगेटिव स्टेटमेंट भी पढ़ लिया, टाइप वन से लेकर के टाइप फोर तक हमने पढ़ लिया। कहीं पर भी किसी को दिक्कत है अभी भी तो बोलिए, अभी भी हम बताने के लिए तैयार है आपका। अगर कहीं पे अभी भी दिक्कत हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्द से मुझे बता दो, मैं उसको अभी भी सॉल्व कर दूंगा। बाद में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा उस समय आप कहोगे कि सर ये चीज़ हमसे नहीं बन रहा, सारा इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देंगे, जीरो से लेकर के टफ लेवल तक का, मीडियम का भी होगा, टफ लेवल का भी क्वेश्चन होगा, लो लेवल का भी क्वेश्चन होगा, मतलब लो से लेकर के हाई लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे। उस समय अगर आप कहोगे कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं पिट्टू पिट्टू कर दूंगा, मैं किसी भी प्रकार का उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपसे आंसर पूछूंगा। आप इस चीज़ इतना जो मैं डीप में जा करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ उस समय नहीं मिलने वाला। अगर दिक्कत है तो अभी भी कर दीजिए, अगर दिक्कत हो रही है तो मेरे दोस्त अभी भी तुम मुझसे कह सकते हो कि सर मुझ में प्रॉब्लम है, मैं इस चीज़ को नहीं समझा। बड़े आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट सर क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट सर क्या कह रहा है? कुछ आम लाल नहीं है, कोई लाल रंग नहीं है, सभी रंग काला है, काला नहीं है। कंक्लूजन नंबर एक में देखो, कंक्लूजन में क्या दिया है? कुछ रंग लाल नहीं है, कोई काला रंग नहीं है। सभी लाल आम है। चार नंबर में दिया है सभी रंग, कुछ रंग काला है, कुछ रंग काला है। पांच नंबर में दिया है सभी रंग लाल नहीं है, सभी रंग लाल नहीं है, कोई रंग काला है नहीं है, कोई रंग काला नहीं है। कंक्लूजन नंबर आठ में, सात में कुछ आम लाल नहीं है, आठ में सभी रंग काला नहीं, सभी लाल रंग नहीं। जल्द से इसका मुझे आंसर चाहिए, मुझे जल्द से आंसर बना के आप दिखाइए कि इसका क्या होगा आंसर, नहीं तो बहुत पिट्टू पिट्टू कर देंगे हम, इतना गला फाड़ फाड़ के तुमको चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं।
यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, तो ये मत समझो ये फालतू और फेक का पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, जितना इफर्ट लगाता हूँ, जितना एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, उतना ही एनर्जी के साथ आपको ऑनलाइन क्लास में भी मैं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा भी उससे कम नहीं है। तो इसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए, आप लोग इसको क्लास टाइप बना करके पढ़िए, आप लोग क्लास का माहौल बनाइए, एकदम समय से आइए, 7:10 में आपकी क्लास 100% स्टार्ट हो जाती है। आइए आप हमसे जुड़िए, हम आपसे जुड़ेंगे, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, आपको कहाँ पे डाउट हो रहा है वो पूछिए, मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, मैं एक एक चीज़ को बता दूँगा। ऐसे आवारा लड़का बीच में बहुत आता है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, 10 दिन इस चैनल पे, 10 दिन उस चैनल पे, और वह सब दिन घूमते ही रहता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने वाले जो शुरू से लेकर अंत तक ही जाते हैं, अंत तक जो पढ़ते हैं वही बच्चे पढ़ने वाले होते हैं एक चैनल पे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो शुरू से लेकर अंत तक आप पढ़िए, सारा की चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, रीजनिंग में किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, इतना मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को बनाइए, उसके बाद आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा इसके आंसर, कौन सही होगा कौन गलत होगा। या तो बहुत सारे टीचर सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, जहाँ इच्छा आप पढ़ लीजिए, अब तुमको फ्री में नहीं पढ़ना है, तुमको 5 छड़ देकर पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, पेड कोर्स लाएंगे उसमें आ जाना, पढ़ाएंगे उसमें भी मज़ा से है। जो चीज़ तुमको बिन मांगे ज्ञान मिल रहा है उस चीज़ लेने में तो अगर तुमको दिक्कत है तो चलो जो पेड कोर्स पे आओ, जब ऐप पे पढ़ाना शुरू करेंगे और जब आपसे इसी चीज़ का 2000-3000-5000 रुपये पेमेंट जब लेंगे तो आपको पता चलेगा सर अब मुझे किस टाइप से पढ़ना है, और वही चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो अभी आप उस चीज़ को नहीं पढ़िएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, इसमें हमने इसलिए टाइप हटा दिया, अब आपको देख करके पता करना होगा जो कौन किस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पेपर में नहीं दिया होगा ये टाइप 1 का है या टाइप 2 का है या टाइप 5 का है, क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन पढ़ करके ही समझना होगा जो किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ना सीख लीजिए, क्वेश्चन को रीड करना, सही से रीड करना समझिए, अगर क्वेश्चन को सही से रीड करिएगा तब जाके आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़िएगा जब नीचे जाइएगा क्वेश्चन के लास्ट में तब आपको समझ में आएगा कि जी हम क्वेश्चन को गलत कर दिए, ऊपर में दिया होता है उससे क्वेश्चन नहीं बनता, नीचे जब पूरा पढ़ोगे तब जाके क्वेश्चन बनता है। बहुत बच्चा क्या करता है, हाफ का उधर पढ़ लेता, कहीं पे तुमको क्वेश्चन में दे देगा, जब इस चीज़ हम नहीं पूछे वो चीज़ बताइए तब जाकर आप क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा। नेक्स्ट पढ़िए, देखिए कुछ रंग लाल है, रंग का शादी लाल से करवाइएगा, तो कुछ रंग लाल है, लाल और रंग एक लाइन में, इसी चीज़ को फिर से कंक्लूजन में लिख दिया, तो रीस्टेटमेंट हम बार बार कर रहे हैं कि दिया हुआ बात को कंक्लूजन में फिर दोबारा लिख देगा, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रीस्टेटमेंट कहते हैं, जो स्टेटमेंट में सर दिया गया है उसी चीज़ को फिर से लिख देगा, उसी को हम लोग रीस्टेटमेंट कहते हैं, रीस्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। रंग लाल क्या है, एक ही लाइन में है, मतलब रीस्टेटमेंट है, रीस्टेटमेंट का निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा सर निगेटिव होना चाहिए, ये सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, नहीं का यूज किया गया, नहीं नहीं मतलब स्टेटमेंट सारा का सारा निगेटिव है, और निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट सर हमेशा निगेटिव होना चाहिए, वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा, बाकी सब गलत होगा। अब निगेटिव है वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट होगा तो क्या होगा, सही होगा, यह भी निगेटिव है किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा। अब देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो री स्टेटमेंट हमेशा निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, वह किसी भी चीज़ के साथ स्टार्ट होगा तब सही होगा, पॉजिटिव होगा तो गलत होगा, 3 नंबर गलत। ये देखो ये भी पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो हमेशा ही गलत होगा, निगेटिव है सही होगा, निगेटिव है सही होगा, सर निगेटिव है सही होगा, निगेटिव है सही होगा, मतलब अब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, सातवें आसमान तक पहुंच गया होगा कि अब मुझे टाइप 4 में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि
हमने पढ़ लिया और हम जो पढ़ा दिए आप अगर सीख गए तो हमको बहुत मज़ा आ जाएगा। हम जो पढ़ाए वो चीज़ अगर आप सीख लिए हैं तो यस टाइप कीजिए, जल्द से यस टाइप करके भेजिए कि जो हमने पढ़ाया वो चीज़ आपने सीख लिया, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अब जा करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, सारा डाउट उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। इतना चीज़ आपको समझ में आया तो यस टाइप कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। क्या मिलती है? एक दिन जरूर मिलती है, पर सिलेबस आपकी एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। फाउंडेशन बैच है, एक दिन में सर ख़त्म नहीं होने वाला, एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होगा। और जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आपको हम बादशाह बना देंगे। क्या बना देंगे? रीजनिंग का सर बादशाह बना देंगे। रीजनिंग के जादूगर कह जाइएगा आप, दुनिया का किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, भारत के अंदर किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, या किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, आप उसके अंदर बैठिएगा। और मेरा ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेते हैं, सारा फाउंडेशन बैच अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपको रीजनिंग में 25 का 25 नंबर आएगा। कहीं पर भी एक नंबर नहीं कटने वाला। इतना आसान लैंग्वेज में मैं इसको सिखा रहा हूँ, इतना आसान ट्रिक बता रहा हूँ, एक एक ट्रिक पर आपको खिलवा रहा हूँ, एक एक ट्रिक पे आपको नचा रहा हूँ, एक ही ट्रिक पे सारा का सारा खेल करवा रहा हूँ। अब इससे बड़ी क्या बात होगी, आप जब सारा कॉन्सेप्ट सीख जाइएगा सर, तो आप दुनिया के बादशाह कह जाइएगा रीजनिंग के। और आप खुद बोलिएगा कि सर बादशाह है मैं, मुझे रीजनिंग सारा का सारा आ गया, मुझे रीजनिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब नहीं आती, क्योंकि मैं मुझे तुमको उस तालाब से निकालना है, जो डाउट के तालाब में जो तुम फंसे हुए हो, जो कन्फ्यूजन के तालाब में तुम अभी तक फंसे हुए हो, जो तुम सारा जगह रीजनिंग पढ़ लेते हो, तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर नहीं हो रहा, फिर भी तुम हमारे पास आए हो कन्फ्यूजन दूर कन्फ्यूजने के लिए, तो मैं कन्फ्यूजन तुमको दूर नहीं करने दूंगा, तुमको कन्फ्यूजन में ही रखूँगा। ये चीज़ हमसे नहीं होने वाला है सर। हम तुमको सोच रहे हैं कि हम तुमको कन्फ्यूजन के तालाब से कहाँ निकाल के फेंक दें, कौन से साथ में आसमान पे पहुंचा दे कि तुमको कन्फ्यूजन का तालाब दिखाई ही नहीं देगा कि कन्फ्यूजन का भी तालाब होता है। ठीक है, तो इस टाइप से मैं अपना सारा एफर्ट सारा एनर्जी लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग सिखाने के लिए। बस आपका एक छोटा सा सहयोग चाहिए, छोटा सा हेल्प चाहिए कि आप बस 40 मिनट शाम को 7 बजे से टॉप सिलेक्शन 1 चैनल पर, टॉप सिलेक्शन 1 चैनल पे आ जाइएगा। शाम को 7 बजे से चलती है क्लास, 7:05 में हो 7:10 में हर हालत में स्टार्ट हो जाती है, और रीजनिंग चल रही है शाम को 7 बजे से मंडे टू फ्राइडे सर, मंडे टू फ्राइडे चलती है क्लास आपकी, और देखना ना भूलेंगे। और जो भी बच्चे नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल वाले सर बेल आइकन को दबा देंगे ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे भी इसी नाम से है, टेलीग्राम पे जाइएगा, टॉप सिलेक्शन 1 सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। आपको हर वीडियो का PDF और हर वीडियो का नोटिफिकेशन लिंक वहाँ से मिल जाएगा, हर वीडियो का लिंक वहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उठा सकते हैं, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ बस आपको करना है, एक चीज़ आपको सब्सक्राइब कर लेना है, एक टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है, और 7 बजे एकदम हाथ पैर धो करके सर किताब कॉपी लेकर के इस चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग के जादूगर बन जाना। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे सर टाइप 4। क्या पढ़ रहे थे? टाइप 4 मतलब रीजनिंग का सलीम चैप्टर का टाइप 4 हमने पढ़ लिया। आज बस इतना ही पे छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या है? हमारी सर तबीयत ठीक नहीं है, आज इतना ही पे छोड़ेंगे हम। कुछ ज़्यादा बोल दिए, और ज़्यादा बोल दिए तो चक्कर आ रहा है, और चक्कर आएगा तो सर हम डर है गिर जाने का, और गिरेंगे तो फिर उठेंगे नहीं, मतलब गिर जा यहाँ पे नहीं गिरेंगे, मतलब सो जाएंगे, और सो जाएंगे तो जल उठेंगे नहीं, इसलिए आज इतना ही पे सर छोड़ देते हैं। तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन से पूरा बॉडी पेन था, फीवर हो गई थी पहले दिन, लेकिन दवा खाने के बाद
अभी कुछ ठीक है, लेकिन आज इतना ही पे छोड़ते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5 और उसके बाद आइदर और का क्वेश्चन करवा देंगे आपको टाइप 6 में, जो भी आइदर और से क्वेश्चन आता है, और हम लोग उसके बाद लग जाएंगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस में। शैलोलिज्म का जहाँ से भी एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आए, सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन इस पे बेस्ड सारा पैटर्न से क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कहीं पर भी सर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अरे भाई मेरे फ्री में मिल रहा है बिन मांगे ज्ञान, तो पाने में क्या है, फ्री में जो मिलता है किसी को छोड़ना चाहिए। यही चीज़ तुम जब 2500 रुपया दे करके पढ़ोगे तब तुमको लगेगा जैसे पढ़ा रहे हैं, यही चीज़ तुमको हम जब फ्री में पढ़ा रहे हैं, सारा एफर्ट एनर्जी लगा के पढ़ा रहे हैं, तो तुम हमको क्या समझते हो। ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा तो बाय बाय राम जी जय राम, यूट्यूब छोड़ देंगे, लेकिन पढ़ाना तो नहीं छोड़ेंगे, यूट्यूब छोड़ देंगे। लेकिन कुछ वैसा बच्चा होता है जो शुरू से लेकर अंत तक पढ़ता है, वही पढ़ने वाला होता है, वो बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। कमेंट बाजी नहीं चलनी चाहिए, हम तो सोचते हैं बच्चे बहुत कम कमेंट करें, कमेंट पर ध्यान ही नहीं पड़ेगी, ताकि हम पढ़ाने में जो हमारा अंदर का जो 100% होगा वो आपको हम देने का काम करेंगे। हमारे अंदर जितना भी होगा सलीज में, हमने अभी तक जितना पढ़ा, हमारे अंदर जो इसका ज्ञान है वो सब आपको दे, उससे 100+ देने का काम करेंगे। एक मैंने तो सिर्फ क्वेश्चन पर आपको एक एक क्वेश्चन पर इतना समय दे करके समझाता हूँ कि कहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, वो किस चीज़ से स्टार्ट होगा, क्यों होगा, सारा चीज़ आपको बता देता हूँ, ताकि आने वाले समय में एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्त टाइप 4 पर रहते सलीज्म का मतलब न्याय निगमन का, आज छोड़ते हैं इतना ही पे, फिर मिलते हैं मंडे को। कल तो क्लास नहीं है ना, कल क्लास नहीं है, मंडे टू फ्राइडे चलती है आपकी क्लास, दो दिनों से क्लास नहीं चल रही थी, लेकिन हो सकता है तो कल भी क्लास हम ले सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास दो दिन से नहीं चल रही थी, ठीक है। क्लास आपकी दो दिन से नहीं चल रही थी तो कल हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उससे पहले हम डाल देंगे कि क्लास होगी या ना होगी, ठीक है। लेकिन आज की क्लास तो होगी 100% और हो रही है क्लास, आज की क्लास चल रही है। कल आशा करते हैं अगर तबीयत ठीक रहा और आप लोग चाहिएगा तो कल भी क्लास आपकी हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन छोड़ते हैं आज की क्लास में इतना ही पे, कल पढ़ेंगे टाइप फाइव, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक लिए सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद।